पूर्णिया के केनगर प्रखंड अंतर्गत हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है। 4 अक्टूबर को बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, पंच वार्ड सदस्यों के लिए अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दरमियान तमाम उम्मीदवारों के साथ उनके प्रस्तावक और बड़ी संख्या में समर्थक भी आए हुए थे, जिन्होंने नामांकन कर वापस आने के बाद अपने समर्थित प्रत्याशियों का माला पहनाकर और रंग गुलाल लगाकर स्वागत किया। इस दरमियान उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दरमियान उम्मीदवारों ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन लोगों ने जनता के दिलों में जगह बनाई है और चुनाव जीतने के बाद सरकारी मदद से जन समस्याओं को अवश्य दूर करेंगे। पंचायत समिति पद के लिए कौन लगता है आपका? मेरी मम्मी है। मम्मी है, जीत के जब आएगी आपकी मम्मी तो पंचायत में क्या विकास होगा? पंचायत में जिस तरह का विकास होगा सब करेंगे, रोड रूट नाली सारा विकास होगा। आज आप पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करूंगी और मेरे पति भी बीएड कॉलेज बना हुआ है मेरा। हम चाह रहे कि मेरे समाज में एक, क्योंकि पूर्णिया के सटे 3 किलोमीटर के अंदर ये मेला रिकॉर्ड पंचायत पड़ता है, लेकिन आज तक जो है विकास के नाम पे पिछड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ? शिक्षा के क्षेत्र हर क्षेत्र में पीछे है का जनता जो हर क्षेत्र में। अब चलिए चोखा जल मड़े देख लीजिए, आज से 20 साल से वहाँ पे पुल की कमी है। हम चाहते हैं जनता हमको लाए, हम उनकी सेवा करें। नाम प्रभास यादव है। कौन सा पंचायत? बेला रिकॉर्ड पंचायत से। कौन पद के लिए? सरपंच पद के लिए मेरी पत्नी उम्मीदवार। क्या नाम है? नूतन जी। इससे पूर्व सरपंच जी नहीं, हम पूर्व में 2005 में उप सरपंच रह चुके। आप लोग पूछ चाहिएगा क्या रहेगा विकास? जो मेरे कार्य क्षेत्र जो मेरे अधिकार में आएगा हम उसके लिए एड़ी चोटी एड़ करके हम जनता के साथ में खड़ा रहे। कौन पद के लिए? आप पूर्व वार्ड सदस्य थे, आप जीत के आइए, क्या रहेगा आपका लक्ष्य? विकास का क्या सब लक्ष्य? पिछले बार हम लोग का वार्ड में काम भी नहीं हुआ है। कौन पद के लिए? इससे पूर्व भी वार्ड सदस्य थे और आप जीत के आइएगा, क्या रहेगा आपका लक्ष्य विकास का? आपके वार्ड में क्या कमी बुझाया? जीत के जब आइएगा तो लक्ष्य है कि हमारा पंचायत का विकास होना चाहिए और कानून व्यवस्था बढ़िया रहना चाहिए, इसलिए हमारा पंचायत का आगे भविष्य बढ़िया होना चाहिए। हम इस लक्ष्य पर उतरे हैं, हम इसको जिला पंचायत को ऊपर ले जाएंगे।